हेलो फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जा रही है। इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है 4 नवंबर 2023। यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन की गई है, ऑफिशियल फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए टाइमिंग मेंशन की गई है, मॉर्निंग 9 o'clock, और इंटरव्यू को शेड्यूल किया गया है 23rd नवंबर 2023 एट सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड पे मेंशन की गई है। फर्स्ट पोस्ट है LDC के लिए, ये वैकेंसी रेगुलर बेसिस की है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1 नवंबर 2023। नेक्स्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ मेंशन किया गया है मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकेंड वन है टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट। थर्ड वन नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग। LDC के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 2 है और बेसिक सैलरी है 19,900। सेकेंड पोस्ट है नर्सिंग सिस्टर, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1 नवंबर 2023। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ मेंशन किया गया है नर्सिंग डिप्लोमा और डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। सेकेंड वन है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स आफ्टर ट्रेनिंग। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल विल बी गिवन प्रेफरेंस। सैलरी है 25,560 पर मंथ। थर्ड पोस्ट है PEM PTICOM मेट्रॉन के लिए, ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम 50। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1 नवंबर 2023। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है BA और BSc और BCOM डिग्री। सेकेंड वन है अटेंडमेंट्स इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स और म्यूजिक। थर्ड वन है फॉर द पोस्ट ऑफ PEM PTICOM मेट्रॉन फीमेल इन जूनियर और होल्डिंग हाउसेज, मैच्योर लेडीज विदाउट एक्सपीरियंसेस एंड विथ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रेन विथ एफेक्शन विल बी प्रेफर्ड। फोर्थ वन है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPE डिग्री 4 ईयर्स। और में मेंशन किया गया 3 ईयर्स ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BPE डिप्लोमा। और में है BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर BPE डिप्लोमा। सैलरी मेंशन की गई है 25,560 पर मंथ। इन तीनों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर सीरियल नंबर 3A। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ मेंशन किया गया दिस इज नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए प्रोवेशन पीरियड 1 ईयर है विच इज एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर्स, नॉट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट मेंशनड एट पैरा 3B-2C। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर ले। नेक्स्ट में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए मेंशन किया गया अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे नो अदर अलाउंसेस और पे विल बी पेड। तो जो भी कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें कंसोलिडेटेड सैलरी, जो भी उनकी कंसोलिडेटेड सैलरी है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा कोई भी अदर अलाउंसेस या फिर अमाउंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट।
तो इस नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, वहाँ जो भी इंफॉर्मेशंस मांगी जा रही है क्लियरली फिल करके अटैचमेंट्स यहाँ मेंशन की गई है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करनी है, और इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेना है, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशंस मांगी जा रही है क्लियरली फिल करके अटैचमेंट के साथ वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ कैरी करनी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन के डिटेल्स को चेक कर लें।